पॉजिटिव शेड्स होंगे राखी के या फिर नेगेटिव, जिस तरह के चेहरा सामने आ रहा है इंद्राणी का, तो क्या उस तरह के शेड्स दिए जाएंगे आपके कैरेक्टर को भी इस फिल्म के? देखिए, राखी के जो शेड्स होंगे वो इस फिल्म में, मेरी जो फिल्म है इसमें पॉजिटिव होंगे, जो राखी को जिस तरह से दिखाया जाएगा। लेकिन ये बताया जाएगा कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का जो मतलब शोषण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो जिस तरह से इंडस्ट्री में चल रहा है महिलाओं के लिए, उनको किस तरह से पॉजिटिव एक महिला कर सकती है, ये इस फिल्म की जो मेन है वो थीम है। हमने सुना है कि आप भी एक हस्बैंड बन रहे हैं, उनके किसी हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं? मैं कोई हस्बैंड नहीं हूँ इसमें, और मैं हस्बैंड बन भी नहीं सकता। आप मेरे को अभी भी ये मिस्ट्री ही बनी हुई है, बहुत सारे सवाल हैं, अभी कोई नहीं समझ पाया है कि हुआ क्या है, तो क्या होगा अंत आपकी फिल्म का, कुछ तो सोचा होगा आपने? देखिए, अभी मेरा 10 दिन का शेड्यूल है जो 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको जयपुर शूट करूँगा, कलकत्ता भी शूट करूँगा। इंद्राणी मुखर्जी आसाम से, आसाम में भी मैं जाऊँगा, कुछ शूट करूँगा, उसके बारे में जितनी जानकारियाँ हासिल और भी ज़्यादा हो सकती है वो कोशिश कर रहा हूँ मैं हासिल करने की। जैसे जैसे केस डेवलप होगा आपकी स्टोरी वैसे बनेगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो इंडस्ट्री में आने के लिए संघर्ष था, लेकिन इंडस्ट्री का पार्ट वो फिल्मी पार्ट नहीं था उनका, वो मीडिया बैरन। मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि ये फिल्म पूरी इंद्राणी पे नहीं है, फिल्म मिलती जुलती है, उसकी स्टोरी से मिलती जुलती है। लेकिन आपने कहा कि इस फिल्म का कुछ पार्ट असम में शूट करने जाएंगे, तो क्या इंद्राणी केस में जैसे जैसे नए खुलासे होंगे उसके बाद क्या आपके स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस होने वाले हैं? हो सकता है, लेकिन पूरी तरह इंद्राणी पे ये नहीं है ये फिल्म। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि इंद्राणी मुखर्जी की कहानी से मिलती जुलती है। तो जब किसी की कहानी आप लेते हैं या उस पर फिल्म बनाते हैं तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो क्या किसी तरह का परमिशन, क्योंकि अभी उनकी फैमिली में से किसी से बात की है आपने? देखिए, मैं संपर्क में हूँ उनकी फैमिली से, वो बोराज की लड़की थी, मैंने उनके बारे में बड़ा पढ़ा है, वो बोरा की लड़की थी, उनका नाम पहले बोरा था सरने, और मैं उसके बारे में मैंने पढ़ा, इंद्राणी के बारे में मैंने कोशिश की। आसाम में मेरे कुछ दोस्त हैं, पॉलिटिकल दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा इंद्राणी मुखर्जी का क्या था, मामला क्या है, ये मुझे नहीं पता था उसके बारे में, तो उनके बारे में जानकारियाँ जुटा रहा हूँ, पर अगर लगता है मुझे कि फिल्म के लिए ये अच्छा होगा कि उसको चेंजेस किया जाए तो मैं करूँगा चेंज, पर अगर जनता के लिए और फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा तो मैं चेंजेस नहीं करूँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। सर एक मिनट, माइक माइक हटाओ, सर एक मिनट, गटर का इंडिया टीवी का बूम दे दो, गटर वे रुको, साइड साइड, थैंक यू, सुनिए निकाल दीजिए, थैंक यू। डेफिनेटली एक कहानी जूली की जो है इंद्राणी मुखर्जी की जो स्टोरी है उसी पे बेस्ड है, उन्हीं से इंस्पायर्ड है। आई एम सो लकी कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड और हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उनके चैनलों में मैं दो रियलिटी शो विन कर चुकी हूँ, 50-50 लाख का मुझे प्राइज मिला है उनके चैनल में जब चालू था, एंड तब से मैं उनको जानती हूँ, उनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ, पीटर जो हैं उनको जानती हूँ, इंद्राणी को, शीना को भी मैं जानती हूँ, एंड मुझे एक डिफरेंट फैमिली थी वो। लेकिन अभी जब मैंने टीवी पे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, एंड आई वाज शॉक। मुझे पहली बार तो यकीन नहीं हुआ कि ये वो मेरी ही फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंद्राणी है, जो अपनी जान तक, अपनी जो जान से ज़्यादा अपनी बेटी को, कम सिस्टर को प्यार करती थी। मुझे तो यही पता है कि शी वॉज अ सिस्टर शीना, तो मुझे तो एज अ सिस्टर ही मिलाया था। शीना हमेशा इंद्राणी को दी करके बुलाती थी, एंड बहुत पार्टियाँ करी हैं मैंने उनके साथ, घर पे भी गई हूँ, एंड इंद्राणी की बहुत ही फेवरेट स्टार रही हूँ मैं,
उन्हें मैं बहुत पसंद थी, उनको हमेशा हंसाती थी, मैं कुछ भी बोलती थी तो शी वॉज ऑलवेज इंजॉइंग एंड बहुत मुझे प्यार करती थी. लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है, आई एम वेरी सैड. शी इज़ अलोन, शी नीड्स मी, शी नीड्स उनके अपने फ्रेंड्स, शी नीड्स ब्लेसिंग. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे फिल्म बनाई जाए उन्हीं की स्टोरी पर, एक कहानी जूली की, एक कहानी इंद्रानी की तो मैं नहीं रख सकती हूँ बिकॉज टाइटल तो प्रॉब्लम आएगा मुझे, बट एक कहानी की जूली की जो फिल्म है, जो टाइटल है, मैं उन्हीं की कहानी पर, उन्हीं पर बेस रख कर, ये जो सब कांड हुए हैं उस पर मैं फिल्म बनाने जा रही हूँ. अवध जी मेरा साथ दे रहे, मेरे प्रोड्यूसर हैं. और इसमें पहले एक्चुअली हमारी स्टोरी थी कि थोड़ी हमने हस्बैंड नहीं थे, 3 बॉयफ्रेंड रखे थे, बट अब वो हस्बैंड में कन्वर्ट हो गए. तो बिल्कुल सिमिलियर स्टोरी मैं बनाऊंगी. और जब मेरी राखी जी से बात हुई, इंद्रानी वाला केस हुआ है, मैंने अभी पहले भी मीडिया में बताया, तो राखी जी ने कहा मैं उस फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ, इंद्रानी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें उनकी शेयर की और राखी जी ने बताया, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी तो बिल्कुल सेम मिलती जुलती आ रही है. तो मैंने अभी भी मीडिया को बताया कि हम उसके बारे में और भी चीज़ें पता कर रहे हैं. और वो चीज़ें पता करने के बाद आसाम से भी मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो जाके पता कर रहे हैं आसाम में रिसर्च चालू और उसके बारे में जो नई नई बातें आएंगी वो आगे आगे शूट में आप लोगों को पता पड़ेगी. एंड या डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे आसाम, गुवाहाटी, कैलकटा, गोवा, जयपुर, ये बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताना चाहता, ये चीजें हम वहाँ पे शूट करेंगे ओरिजिनल लोकेशन. आई एम ट्राइंग टू मीट हर. मुझे खार पुलिस स्टेशन और कहाँ कहाँ पे उसे रखा गया है मैं मिलना चाहती हूँ, बट पुलिस मिलने नहीं दे रही है. एंड आई एम ट्राइंग टू मीट हर वंस बिकॉज ऐसे ही मौके पे अपने फ्रेंड्स काम आते हैं और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ. एक्चुअली शी इज इन कस्टडी एंड आई एम टॉकिंग टू मोदी जी ऑल्सो के बड़े बड़े स्टारों को वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको रिलीफ कराते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो वाई नॉट इंद्रानी. सो आई एम ट्राइंग एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, स्मृति ईरानी ने वो शो एंकर किया था जिसने इंद्रानी ने प्रोड्यूस किया था मेरा शो, तो स्मृति ईरानी जी से भी मैं उनको मिलने वाली हूँ, उनको रिक्वेस्ट करने वाली हूँ बिकॉज वो एक महिला है, तो वो एक महिला का दर्द जरूर समझेगी. और आपको नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे को मारती है तो उस पर क्या प्रेशर आया होगा, किसने प्रेशर किया होगा? असली चेहरा तो बाहर आया ही नहीं अभी तक, वो तो पुलिस का काम है. बट मेरे फिल्म में मैं क्या दिखाने वाली हूँ वो पब्लिक जरूर देखेगी कि क्या मास्टर माइंड कौन है. डेफिनेटली शी इज बिकॉज वो बहुत अलग, मैं उनके साथ रही हूँ, उन्हें शी लव्स फ्रीडम, शी लव टू फ्लाई एंड बहुत ही अलग टाइप की नेचर की, शी लव्स पार्टी. मैं जितना जानती हूँ मैं आपको कहूँ सबसे ज्यादा प्यार वो बच्चों से करती थी. अपनी बेटी को कैसे मारा, क्यों मारा, ये रीजन तो अभी शायद मीडिया के पास भी नहीं है. बट मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगी ताकि सीबीआई मेरा फॉलो करे. लेकिन राखी आपने कहा कि आप कुछ ऐसी बातें जानती हैं जो पुलिस को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता. एक्सक्यूज मी, मैं कोई मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती, प्लीज माफ करना. जितना मैं जानती हूँ इंद्रानी के बारे में और थोड़ी बातें जो है वो हमने रिसर्च करी है, थोड़ी बातें आपकी तरफ से मिली है जो मैं नहीं जानती थी, कि मुझे इतना पता था कि शीना इंद्रानी की सिस्टर थी और इंद्रानी ने मुझे हमेशा शीना से 2-3 बार मिला है. मेरे पास फोटोज भी है, शी इज सिटिंग ऑन माई, मेरी गोद में बैठी हैं वो शीना. एंड बचपन से जानती हूँ तो मुझे हमेशा अपनी बहन सिस्टर करके मिलाया था, बेटी करके नहीं मिलाया था. एंड शीना हमेशा इंद्रानी को दी करके बुलाती दी. सो आई नो द केमिस्ट्री. शीना वॉज अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत ही बबली, वेरी नाइस. कभी कभी वो पता नहीं उसे क्या हो जाता था, शी वॉज टोटली साइलेंट एंड नाइस. मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान हैं. उनकी रियल स्टोरी जो है वो मैं आपको फिल्म में बताना चाहूंगी कि इंद्रानी की जो जर्नी है, फर्स्ट हस्बैंड
गुवाहाटी से कहाँ, कहाँ से कहाँ, यू नो वो फिल्म में आप देखेंगे कि वो जर्नी में कैसे होगी, कैसे एक सीधी सादी लड़की एक बिजनेस टाइकून कैसे बनी, उस लेवल तक उसे वो क्या क्या झेलना पड़ा. Everything is fair, love and war. एक parting question पूछना चाहेंगे सभी से, लाके आपसे शुरुआत करेंगे. फिल्म कब तक तैयार होगी और कब हमें देखने को मिलेगी? Definitely फिल्म बहुत जल्दी तैयार होगी और महेश भट्ट जी से पहले तैयार होगी. I want to give a challenge to him. Of course he is very fast. अब आप तो ये बातें राखी जी से पूछनी, आपने मेल से पूछने की जरूरत ही नहीं. मैंने तो प्रोड्यूसर जी को बोला बस माल रेडी रखिए, फिल्म फटाफट बनानी है, महेश जी को जितने नहीं देना है हमें. इस बार अजीज आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म में अभी के बिजनेस, बिग बिजनेस वुमेन संगीता आप बोलना चाहेंगे क्या? आप आगे बढ़ो, आगे जैसे कि आप सभी एक मिनट घूम आगे कर लो पहले. आप सभी को पता है कि फिल्म का टाइटल है एक कहानी जूली की, तो इसमें मैं राखी जी के साथ में मोनिका का रोल प्ले कर रही हूँ, जो बराबर इनके साथ में मतलब टशन 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 है पूरी फिल्म के अंदर. और मुझे लगता है कि हम दोनों का टशन लोगों को बहुत पसंद आएगा और इंजॉय करेगी पब्लिक. राखी जैसा कि हमेशा सनी लियोनी का एड है, जो लेटेस्ट एड आया है, उससे रेप की कमेंट बहुत बढ़ते हैं, रेप की बहुत होती है. तो मतलब देखिए सनी लियोनी आई, पहले भी रेप होते थे, उसके बाद भी रेप होते, तो सनी लियोनी किसी रेप का कारण नहीं है, इंसान खुद अपने रेप का कारण है. वो दिमाग ठिकाने पे रखे. ओके चल थैंक यू.